तो सबसे पहले समझिए कि आपको पावर बी आई का डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपके सामने दिख रहा है। अब ये डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को खरीदने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे आपको ये मिल जाता है फ्री में। देखिए टैबलू से पावर बी आई को बेटर यही बनाता है कि सबसे पहले इसी सॉफ्टवेयर इजिली मिल जाते हैं और इसको जो है जरूरत नहीं है परचेज करने की सॉफ्टवेयर। लेकिन अब ऐसा नहीं कि पावर बी आई फ्री में मिल गया तो माइक्रोसॉफ्ट क्या खाएगा। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप जो है ना हमारी क्लाउड सिस्टम को लीजिए, ठीक है। जो अब यहाँ पे देखिए 720 रुपए का पर मंथ यूजर चार्ज कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रो के लिए, ठीक है। तो प्रो में जो प्रो वर्जन जो आप लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें आपको जो है कई सारे फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि वेब वर्जन मिलता है। यहाँ पे देखिए अपारे प्रो में कि मोबाइल ऐप एक्सेस होगा, पब्लिश रिपोर्ट एंड शेयर कोलरेट कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट बना सकते हैं, आपको जो है 1 GB का लिमिट मिलेगा, 8 दिन का मतलब 1 दिन में 8 बार रिफ्रेश कर सकते हैं। मतलब रिफ्रेश क्या होता है, पावर बी आई जैसे कि आपके सिस्टम ने आपने कोई रिपोर्ट बनाया, उस रिपोर्ट को आप चाहते हो वेब पे किसी वेबसाइट पे फ्लैश करना। तो फ्लैश करते समय आप जैसे आप चेंज करोगे तो वहां पे तो चेंज होना चाहिए ना, मैंने हमारे आपने सॉफ्टवेयर में चेंज किया तो वेबसाइट पर भी चेंज होना चाहिए। तो वो रिफ्रेश रेट जो है 8 है पर डे, 1 दिन में 8 कर सकते हैं, 48 कर सकते हैं, ओके okay. उसके बाद आता है कि आप जो है 100 से डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, एपीआई वगैरह है, विजुअल्स है, ये चीज आप देख सकते हैं, दिख रहा है सब आप। तो ये आपका जो है इस ये जो चीज आप देख पा रहे हैं ये आपका प्रो का होता है। लेकिन जब डेस्कटॉप वर्जन पे जाते हैं तो डेस्कटॉप वर्जन पे आपको प्रो इसकी जरूरत नहीं है, आप हर एक फीचर्स को डेस्कटॉप वर्जन का यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना। पर प्रॉब्लम है कि इसकी रिपोर्ट को जब निकालेंगे आप, तो इसको निकालने के लिए फिर किसी को भेजेंगे तो दो चीजों से जाएगी। अगर आप विदाउट प्रो वर्जन चलते हैं, बेसिक वर्जन चलते हैं, तो किसी को भेजना है तो दो दो तीन माध्यम है। एक तो पावर बी आई का सॉफ्टवेयर आपको भेजना होगा, दूसरा पावर बी आई की फाइल बना के भेजना होगा। तो पावर बी आई की फाइल बना के किसी को रिपोर्ट भेजते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि उसके पीसी में भी पावर बी आई होना चाहिए। फिर आपको पावर बी आई का अगर मान लीजिए कि ये बना के भेजते हैं, पावर बी आई का जो है आपने पीडीएफ बना के भेजे तो पीडीएफ जैसे बात चेंजेबल नहीं होंगे। फिर आपको आता है ऑप्शन वेब लिंक बना के भेजना। आप वेब लिंक बना के किसी को भेजते हैं तो प्रॉब्लम हुआ कि डेटा कोई भी देख सकता है, समझ गए ना। तो आपको शेयर करना, तो आपको शेयर करना होगा। तो बेसिकली पावर बी आई ऐसी एक्सेल की तरह ना बनाया गया कि आपने फाइल बनाया गया यहीं पे डाल दिया। पावर बी आई बेसिकली कंपनीज के लिए डिजाइन की गई है, कंपनीज के एक एनवायरमेंट के लिए डिजाइन की गई है। जैसे कि एक टीम है, एक टीम कलेक्टेड है, आपने आपस में रिपोर्ट को शेयर कीजिए तो गूगल ड्राइव की तरह आपके पब्लिक आपके जो है शेयर वाले सेक्शन में चला जाएगा, वहां से देख सकते हैं। आपने किसी को भेजा तो उसके शेयर सेक्शन में चला जाएगा, वो देख सकता है। QR कोड बना के दे दिया तो मोबाइल ऐप से QR कोड को स्कैन करके आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह के फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल। तो पावर बी आई के सॉफ्टवेयर फ्री है, बस पेड वर्जन लेना होगा आपको, ओके ओके। तो आप जैसे कि पावर बी आई डाउनलोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो आपने इंस्टॉल कर ही रखा है तो बताने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट आपके सामने दिख रहा है तो इसको आप सेव एज यहाँ पे आता नेक्स्ट, यहाँ पे सेव एज आपको दिया, एक्सपोर्ट पे जाइए, एक्सपोर्ट पे आपको क्या दिख रहा है, पावर बी आई टेम्पलेट या फिर पीडीएफ। तो ऐसा टेम्पलेट कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है ना जी, नहीं। अब दूसरी चीज आती है कि अब प्रो वर्जन आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री वर्जन भी मिल जाता है। जैसे कि मुझे फ्री वर्जन मिला हुआ है, मैं साइन इन कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये मैंने साइन इन कर, ये मेरा मिला हुआ है, ये मेरा प्रो वर्जन, सॉरी माफ कीजिएगा फ्री वर्जन, प्रो वर्जन पहले था बट मैंने पेमेंट नहीं किया तो इसने कर दिया फ्री वर्जन। अब फ्री वर्जन ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस कोई भी रिपोर्ट को जैसे मान लीजिए डैशबोर्ड 1 है, इसी रिपोर्ट को ओपन करता हूँ। ये रिपोर्ट मैंने बनाया डेस्कटॉप पे, बनाने के बाद मैंने यहाँ से पब्लिश किया, पब्लिश करते ही ये आपका ऑनलाइन सर्वर पे चला है, आ गया।
ओके अब यहां से रिपोर्ट, अगर मेरे पास प्रो वर्जन होगा तो मैं आसानी से इसको शेयर कर सकता हूँ, देखिए ठीक है सर, तो शेयर करके ईमेल ले डालूंगा तो उसके पास ऑटोमेटिकली चल जाएगा, उसके वर्क स्पेस में चला जाएगा। ओके इसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पावर बी आई पीडीएफ, पीडीएफ पावर पॉइंट तो अभी कर सकते हैं, बट इसमें एक्सेल में करने के लिए फिर आपको चाहिए होगा आईडी। उसके बाद जो है यहाँ देखिए एम्बेड पब्लिश वेब कर सकते हैं, तो ये सब जनरली कर सकते हैं, क्यू आर कोड कर सकते, इसके लिए परचेज करने की जरूरत नहीं। ओके इसके बाद पावर बी आई करेंगे तो भी क्यूआर कोड के लिए भी परचेज की जरूरत नहीं है ना? नहीं, क्यूआर कोड के लिए परचेज की जरूरत नहीं, लेकिन जिस मोबाइल में यूज करेगा वहां भी चाहिए होगा पावर बी आई। ओके ठीक है ना, ऐसा नहीं कोई भी पावर बी आई को कर लेगा, पावर बी वहां भी चाहिए। ओके ठीक है, तो मोस्टली मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं या इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूं और प्रेजेंट कर लूं जिसको भी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पावर बी आई पे जाके ट्राई फ्री पे क्लिक करना, पावर बी आई के साइड पे जाइए, ट्राई फ्री पे जाइए और अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए। लेकिन लॉगिन आईडी बता दूं आपको कि लॉगिन आईडी आपको क्रिएट जो होगा वो जीमेल का, वो जैसे पब्लिक डोमेन से नहीं होगा, उसके लिए किसी कंपनी की आईडी चाहिए, ईमेल आईडी। ठीक है, मतलब जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका ईमेल आईडी है उससे। हाँ, हो जाएगा। और वो ईमेल आईडी आपको उस समय एक्सेस चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया और ऑफिस में पड़ा हुआ है, नहीं, हम लोगों का ईमेल आईडी जो बना हुआ है ना कंपनी का ही बना हुआ है। हाँ, तो मैंने वो एक्सेस चाहिए, जिस समय आप साइन अप करें उस समय उसका एक्सेस होना चाहिए आपके पास। नहीं, उसका एक्सेस तो मेरे पास ही रहेगा ना, तो ये भाई नहीं समझ रहा हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि आप ईमेल आईडी ऑफिस की ईमेल आईडी ऑफिस में ही खोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको ऑफिस में तो जाके सर्वर डाउनलोड पावर बी डाउनलोड तो नहीं कर पाओगे ना आप। मैं कहने का मतलब साइन अप, जब आप साइन अप करेंगे, सुनिए, साइन अप जब करेंगे ना तो आपको जो है ना एक ओटीपी आएगा मेल पे, ओटीपी डाल के फिर आगे प्रोसीड करना। अच्छा ठीक है, समझ गया। और फिर जब आईपी, जब आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा तब आप पावर बी आई ओपन करके, तो पावर बी जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो लॉगिन का पेज जाए, या फिर यहाँ पे भी आपको लॉगिन दिखेगा तो यहाँ पे उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन से करना है, जब रिपोर्ट बना के जब पब्लिश करेंगे तो फिर पावर बी आई सॉफ्टवेयर आपकी इस रिपोर्ट को माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे आपके अकाउंट में डालेगा। ओके ठीक, समझ गए? ठीक ठीक क्लियर है? यस क्लियर। उसके बाद डेटा सेट वगैरह तो आपके पास है ही, उसकी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो डेटा सेट मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं तो वो तो मैंने आपको दिया ना, इसलिए इसलिए काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर आपके हिसाब से देख लीजिए। देख लेंगे सर, देखिए पहले होता है क्या है बता दूं आपको, कि पहले मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे बताना चल जाऊंगा, जो भी समझ में आएगा वो भी समझ नहीं पाओगे। तो पहले आप चीजों को समझें, जैसे मान लीजिए अगर आपको एलसीएम बनाना है तो डायरेक्ट मैं आपको एलसीएम समझाऊंगा, आपको ना मल्टीप्लाई आता है ना डिवाइड आता है ना टेबल आता है, तो क्या लग रहा है एलसीएम सीख जाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, तो एलसीएम सिखाने के लिए पहले आपको टेबल सिखाना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई सिखाना होगा, डिवाइड सिखाना होगा, देन आप जानेंगे ना एलसीएम क्या होता है। यस यस यस, सेम थिंग यहाँ भी होगा कि अगर आपके जो रिपोर्ट बनना है तो पहले बताना तो होगा। अभी जैसे आपको देखेगा, आपको लॉगिन के बारे में पता नहीं था, आपको ये नहीं पता था कि पावर बी आई प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रो वर्जन फ्री वर्जन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों चाहिए लॉगिन आईडी क्या, अभी चीजों का पता चल गया आपको। आपको इसके रेट्स भी पता चल गए कि 700 कुछ रुपए महीना है, तो हो सकता है कि आप 2-4 महीने खुद खरीद भी लो। लेकिन टैबलू की बात करें तो टैबलू का प्राइस अभी तो आई थिंक टैबलू प्राइस हटा दिया है, वो डिस्कस करता है, वरना टैबलू का प्राइस जो है मेरे उस समय जो था वो आई थिंक $97 की $72 मंथ पर मंथ था। सर मैं अगर टीचर एज ए यूजर कहूँ तो पावर बी आई मेरे लिए बेस्ट है, सीखने के पर्पज से, बनाने के पर्पज से, यूज करने के पर्पज से मुझे पावर बी आई बेस्ट लगता है। ऐसे भी सर माइक्रोसॉफ्ट कोई माइक्रोसॉफ्ट का किसी भी एप्लीकेशन का कोई कंप्लीट कर पाया है, कंप्लीट कर पाया है? हाँ नहीं, करेक्ट करेक्ट। क्या मोस्टली तो डेटा एक्सेस में होते हैं हमारे,
एक्सेल है या एमएस वर्ड है या आउटलुक है या जो भी उसका है, हमें लगता है कि उसको कोई कम्पीट कर पाएगा? नहीं नहीं कोई और नहीं कर पाएगा, वही चीज है। और टैबलू यूज कर ले पावर यूज कर ले, समझिए कि दोनों पिवट टेबल का ही एडवांस वर्जन। यस 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 करेक्ट। ठीक है, तो नयन जी आप क्या करें?